एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेलगाम महंगाई पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के अधिकतर नागरिक राजनीति के सपने देखते हैं, राजनीति के खुमार में जागते हैं, राजनीति सोचते हैं, राजनीति बोलते हैं, राजनीति सुनते हैं और रात में राजनीति ओढ़कर सो जाते हैं। हमारे ऊपर राजनीति का भूत दिन रात सवार रहता है और ये हमें कुछ और सोचने नहीं देता। इसके चलते हमें इस बेलगाम महंगाई का भी विचार नहीं आता जो अंदर ही अंदर पूरे समाज को खोखला कर रही है। किसी जमाने में महीने की पहली तारीख को सुबह सुबह आकाशवाणी पर पहली तारीख फिल्म का गाना सुनाया जाता था। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। लीजिए, आप भी सुनिए और अपनी पुरानी यादों को ताजा कीजिए। आजकल पहली तारीख को महंगाई की बुरी बुरी खबरें आती हैं। मसलन गैस सिलेंडर की नई कीमत की घोषणा हो जाती है। अभी आज होने वाली घोषणा भी देखिए, दिल्ली और मुंबई में गैस सिलेंडर जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है LPG, वो 834.50 रुपये में आएगा और चेन्नई वालों को हमसे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 850 रुपये और 50 पैसे देने पड़ेंगे। कोलकाता वालों ने चूंकि BJP को हरा दिया है तो इसलिए उन बेचारों को 861 रुपये देने पड़ेंगे। ये खबर महीने की पहली तारीख को चली आती है और इसी के साथ हमारे चूल्हे ठंडे होने लगते हैं। इस महीने ये महंगाई की मार 25.50 रुपये बढ़ी है, यानी एक महीने में सरकार ने आओ देखा न ताओ गैस सिलेंडर का भाव 25.50 रुपये बढ़ा दिए। पिछले 6 महीनों में हम ये देखें कि ये गैस सिलेंडर का भाव बराबर बढ़ता रहा। जैसे 1 जनवरी को इसकी कीमत 694 रुपये थी, उसके बाद 1 फरवरी को ये 719 हो गई, 15 फरवरी को ये फिर बढ़ाई गई और 769 कर दी गई, उसके बाद 25 फरवरी को 794 हो गई और 1 मार्च को ये गैस सिलेंडर का भाव बढ़ के 819 रुपया हो गया। उसके बाद उसमें मामूली गिरावट आई और इसे 809 रुपये किया गया, जबकि पब्लिक ने बहुत शोर शराबा किया। फरवरी में 3-3 बार लोगों का जो है वो जान निकल गई इसके भाव के बढ़ने से। तो हम ये देखें कि सरकार पे उस शोर शराबे का थोड़ा असर रहा और अप्रैल, मई और 1 जून तक ये कीमत स्थिर रही, यानी 809 पर रुकी रही। लेकिन फिर सरकार को ख्याल आया कि पब्लिक को इतना ज़्यादा आराम देना ठीक नहीं है, वरना ये आराम से रहती है तो हमको परेशान करती है। इसलिए सरकार ने इसका भाव बढ़ाकर 834.50 रुपये कर दिया। इस तरह से आप ये देखेंगे कि पिछले 6 महीने के अंदर गैस सिलेंडर का भाव 138.50 रुपये बढ़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ऐसे समय में जबकि कोरोना की मार देश सह रहा है और लोगों का रोजी रोजगार संकट में है, धंधा जो है वो बंद है, दुकानें जो है वो चल नहीं रही हैं, ऐसे में लोगों की आमदनी जो है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और सरकार गैस सिलेंडर का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है। जून के महीने में सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 122 कम की थी, तो लोगों को उम्मीद थी कि इस मर्तबा घरेलू गैस के सिलेंडर की भी कोई कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 7 सालों में आप ये देखें कि घरेलू सिलेंडर की कीमत दोगुना होकर 834 पर पहुंची है। 1 मार्च 2014 को यानी मोदी जी के आगमन से पहले गैस सिलेंडर का भाव 410 रुपया था और अब 834 रुपया हो गया है। उस समय नारा लगता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ये कि मोदी सरकार के आने के बाद महंगाई की मार डबल हो गई, यानी 100% बढ़ गई। इस बीच स्विस बैंक में भी भारतीयों का धन जो है वो दुगुना हो गया। ये अजीब बात है कि यहाँ गैस सिलेंडर का भाव दुगुना होता है, वहाँ जो है वो भारतीय धन्ना सेठों की आमदनी जो है वो डबल हो जाती है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये तो हमारे प्रधान सेवक ही बता सकते हैं, इसलिए कि वो अपने चुनाव प्रचार में ये कहा करते थे कि मैं स्विस बैंक से पैसा वापस लाऊंगा और मैं जो है वो गैस सिलेंडर का भाव कम करूंगा।
अब गैस सिलेंडर का भाव भी डबल हो रहा है और स्विस बैंक में जो है वो धनराशि भी डबल हो रही है। तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गैस से मध्य वर्ग के परिवार का चूल्हा जलता है और पेट्रोल से उसकी स्कूटर और मोटरसाइकिल चलती है। राजधानी दिल्ली में जून के अंदर पेट्रोल 4.58 रुपये महंगा हो चुका है। माल ढोने के लिए उपयोग में आने वाले डीजल की कीमत भी 4.02 रुपया बढ़ चुकी है। वहीं इस साल की बात करें तो जनवरी को पेट्रोल की कीमत 83.97 रुपये और डीजल की 74.12 रुपये पे थी। यानी इस 6 महीने में आप ये देखें कि अब ये 98.81 रुपये और 98.18 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। इन 6 महीनों में 14.84 रुपये यानी तकरीबन 15 रुपया पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है। 6 महीने के छोटे से अंतराल में पेट्रोल का इतना भाव बढ़ जाना ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। लेकिन ये परेशानी जनता के लिए है। नेता लोग तो फ्री में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, उनको क्या पता कि पेट्रोल के भाव के भरने का लोगों पर क्या असर पड़ता है। कांग्रेस सरकार के जमाने में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो मोदी जी समेत भाजपा वाले क्या क्या कहते थे, जरा इस वीडियो में देख ले। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। हाँ, तो आपने देखा कि पहले ये लोग क्या क्या कहा करते थे, लेकिन अब जब इनसे पूछा जाता है तो ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत का बहाना बना देते हैं। ये झूठ है क्योंकि तेल के भाव काफी गिरे हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले महीने तेल की कीमत तकरीबन 30 से 40 रुपए कम हो गई, लेकिन हमारे यहाँ ये बढ़ती ही जाती है। तेल तो खैर बाहर से आता है, लेकिन दूध का पूरा उत्पादन अपने देश में होता है। सवाल ये है कि अचानक अमूल को 2 रुपया प्रति लीटर दूध का भाव बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई। मोदी जी सुबह शाम आत्मनिर्भर भारत की माला जपते रहते हैं और अमूल जो है वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, तो कम से कम अमूल के जरिए से आने वाले दूध में इस मुश्किल के जमाने में जो है वो भाव नहीं बढ़ना चाहिए। आप इस तस्वीर में देखें तो आपको पता चलेगा कि अमूल कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी में इसका नंबर जो है वो 16-17 पे आता है। और आप ये देखें कि इसमें हर रोज 2.3 करोड़ लीटर यानी 2.3 करोड़ लीटर जो है वो रोजाना यहाँ पर दूध खरीदा जाता है और 38,500 करोड़ रुपया इसका सालाना टर्नओवर है। इसके जो है वो 10,000 डीलर्स का नेटवर्क है और इससे जो है वो 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी कंपनी आखिर इस जमाने में अपने दूध का भाव बढ़ाने के लिए क्यों मजबूर हुई, ये जो है वो चिंताजनक प्रश्न है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। 1 जुलाई से कंपनी ने अपने दूध के सारे प्रोडक्ट जैसे अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति वगैरह, इस पर तो 2 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ा दिया। लेकिन ये कंपनी जो है वो मक्खन भी बनाती है, चीज भी बनाती है, आइसक्रीम और अन्य इत्यादि चीजें बनाती है। उन चीजों के भाव में कंपनी ने कोई वृद्धि नहीं की। यानी गरीब को मार और अमीर से प्यार वाली पॉलिसी यहाँ भी चल रही है। 2019-2020 में इस कंपनी ने 38,542 करोड़ रुपए की बिक्री का कारोबार किया, जो उसके पहले वाले साल से 17% ज्यादा है। यानी सोचने वाली बात है कि लॉकडाउन के जमाने में भी इस कंपनी की बिक्री जो है वो पहले के मुकाबले 17% ज्यादा हुई। जब बिक्री ज्यादा हुई तो लाजिम है कि उसकी आमदनी भी ज्यादा हुई होगी।
अब इस आमदनी का फायदा जनता को नहीं दिया जाएगा। जनता के लिए दूध का भाव कम नहीं किया जाएगा, बल्कि 2 रुपया बढ़ाकर उनका जो है वो खून चूसा जाएगा। ये कंपनी 2009-2010 की तुलना में 5 गुना बढ़ चुकी है, तेजी के साथ तरक्की कर रही है। तो कंपनी तो बढ़ रही है, लेकिन ये कि जनता को, देश की जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार तो ये कर रही है कि टेलीकॉम उपकरण में और वो जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनने वाले हैं उसके लिए 12,195 करोड़ का प्रोत्साहन दे रही है, और आईटी सेक्टर में जो है वो 4G को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रही है। इससे पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। उसको मोबाइल में ज्यादा दिलचस्पी है, उसको इंटरनेट में ज्यादा दिलचस्पी है, उसको दूध में और पेट्रोल में और घरेलू गैस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब सरकार की प्राथमिकता ही बदल जाए तो जनता का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में 50 साल पहले कैफी आजमी का कहा हुआ एक शेर याद आता है। कैफी आजमी ने कहा था, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लेंगे, लगोटी नहीं तो क्या। तो दोस्तों, अब ऐसा वक्त आ रहा है कि जनता के पास न तो खाने के लिए रोटी होगी और न तन ढकने के लिए लंगोटी होगी। बस जो कुछ होगा वो नेताओं के भाषण होंगे, उनके वादे होंगे, उनकी घोषणाएं होगी, और उसी के ऊपर जो है वो जनता को गुजारा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।